बड़ा ही विशेष है, बहुत ही खास है मेरे जीवन में। देख रहा हूँ सारी मीडिया से घिरा हुआ हूँ, जब से ताजमहल से निकला हूँ इतने सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं मेरे साथ, इंटरव्यू हो रहे हैं, और मैं बड़ा खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप को टूर दे सकूँ ताजमहल का। काफ़ी देर, क्योंकि सबसे ज़्यादा देर आप उनके साथ में थे, क्या बातचीत हुई थोड़ा सा उसके बारे में? जी हाँ, ताजमहल को लेके हमारी काफ़ी बातचीत हुई, और जब मैंने उनको ताजमहल के इतिहास के बारे में जानकारी दी सबसे पहले, और किन परिस्थितियों में ताजमहल बना, क्यों बनाया गया, उससे वो बड़े बड़े खुश हुए, और वो लव स्टोरी सुन के शाहजहाँ मुमताज़ की काफ़ी इमोशनल भी हुए। और फिर ताजमहल के जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और गार्डन्स के बारे में जब उनको बताया कि पहले यहाँ पे ऑर्चर्ड था, बाद में गार्डन्स डेवलप हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंग्लिश, तो अभी ये इंग्लिश गार्डन्स हैं, तो उससे वो बड़े सरप्राइज थे। एंड वो उनको बताया कि यहाँ पे पहले हर तरह के अलग अलग फलों के पेड़ थे। फिर जब हम मुख्य मकबरे में पहुँचे तो उनको मैंने पच्चेकारी के बारे में जानकारी दी, जैसा कि वो मैं बता चुका हूँ पहले भी कि वो समझ रहे थे कि ये सारी जो है पेंटिंग्स या कलर्स हो रहा है, तो मैंने बताया कि नहीं, ये सारा जो है स्टोन्स का काम है, मार्बल की जालियों का काम उन्होंने देखा। जब उनको बताया कि पूरा एक सिंगल पीस मार्बल में कटआउट करके इसको लगाया गया, तो वो बड़े खुश हुए। और फिर डोम के बारे में बताया, जो ताजमहल का जो मकबरा है वो डबल डोम स्ट्रक्चर है, तो उससे वो बड़े प्रभावित हुए सारी जानकारी। जी हाँ, शाहजहाँ के बारे में बताया कि किस तरीके से किन परिस्थितियों में ताजमहल बनाया, उसके बाद आखिरी में कैसे उसको अपनी जीवन के 8 साल जो है कैद में बिताने पड़े। औरंगजेब ने उनको आगरा किले में हाउस अरेस्ट करके रखा था मुसम्मन बुर्ज में, तो क्या क्या 8 साल के बाद में फिर कैसे उनको जहानारा ने यहाँ दफनाया, तो ये सारी बातें हुई। हाँ, थोड़ी सी थोड़ा सा दुखी हुई थी कि इस तरह की जिस बादशाह ने इतना सुंदर मकबरा बनवाया अपनी बीवी के लिए, सो उसके बाद में उनको बड़ा थोड़ा सा दुख तो होता ही है एज यू नो, बट ठीक है, उसके ये एक स्टोरी है जो कि सच है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। बेंच के बारे में क्या था, और क्या आपने बेंच के बारे में बताया होगा, और किस किस के क्या सवाल थे, जैसे फर्स्ट लेडी का क्या था, उनके प्रेसिडेंट का क्या सवाल? मैं फर्स्ट लेडी और मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ ही था, तो उनकी डॉटर के साथ तो मैं नहीं था, तो मुझे कोई जानकारी नहीं उनके क्या सवाल थे। लेकिन हाँ, फर्स्ट लेडी के जो सवाल थे वो इसके ताजमहल के मड पैक ट्रीटमेंट के बारे में जानने की बड़ी उत्सुक थी कि किस तरह से उसको साफ़ किया। जब मैंने उनको बताया कि ये साफ़ किया गया है और आप डोम को देखते हैं और जो बाकी बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि कैसे इतना अंतर है इनको दोनों में, तो उन्होंने बुलाया कि अच्छा कि किस तरीके से साफ़ किया गया, किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, तो उसके बारे में जब बताया तो उससे बड़ी इंप्रेस्ड हुई कि किसी भी तरह की सोप और डिटर्जेंट का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, क्ले पैक ट्रीटमेंट इस पे लगाया गया। ये फैसिलिटी के सवाल वो ताजमहल को लेके उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए, उनके मुंह से जो सबसे पहला शब्द निकला था वो था इनक्रेडिबल, ताजमहल को देखते ही, और जाते वक्त भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो वापस लौट के एक बार जरूर ताजमहल देखेंगे। मोदी जी जी हाँ, मोदी जी के बारे में काफ़ी बात की, और मुझसे भी पूछा कि आपके क्या विचार हैं मोदी जी के बारे में, तो मैंने कहा कि ही इज़ वेरी डायनामिक प्राइम मिनिस्टर एज यू नो, उनके उन्होंने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की है उससे 100 मिलियन फैमिलीज़ को यहाँ पे फ़ायदा मिला है, और 90 मिलियन टॉयलेट्स उन्होंने बनाए हैं अराउंड इंडिया, तो काफ़ी काम अभी हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे। क्या कुछ और भी कुछ ऐसी कोई बात हो जो आपके ध्यान में नहीं, नहीं, बाकी वो अभी जो शो करके आ रहे हैं गुजरात में, तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जन समूह इतना बड़ा उन्होंने एक साथ अपने जीवन में कभी नहीं देखा, तो ये सबसे बड़ी रैली थी उनके जीवन में जो उन्होंने देखी है इतनी बड़ी। तो क्या आपने ये भी जानकारी दी उनको कि पहले पति पत्नी थे प्रेसिडेंट? जी, मैंने बताया उनको कि एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू आर द फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु हैज कम टू सी द ताज, तो उससे वो बड़े खुश हुए इस बात से। जिन्होंने ताजमहल के इतिहास के बारे में जानकारी ली, मार्बल के बारे में जानकारी ली, जो उसमें अंदर पच्चेकारी हो रही है उसके बारे में जानकारी ली, गार्डन्स के बारे में जानकारी ली, और जितना भी उसमें जाली का काम हुआ है ताजमहल में, डबल डोम स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली, मस्जिद के बारे में जानकारी ली, काफ़ी सवाल उन्होंने पूछे ताजमहल से रिलेटेड। जो खास क्या रहा इस पूरे दौरे में जो आपने घुमाया, क्या खास लगा आपको? वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए शाहजहाँ और मुमताज़ की प्रेम कहानी से, और उसके बाद में उनको थोड़ा दुख भी हुआ, जैसे उनको बताया गया कि शाहजहाँ ने जो अपने जीवन के आखिरी 8 साल कैद में बिताए थे मुसम्मन बुर्ज में,
आगरा किले में, तो उससे उनको थोड़ा सा दुख भी लगा। वो स्थान भी देखा क्या उन्होंने? नहीं, वो वहाँ यमुना किनारे नहीं गए, वो यमुना की तरफ नहीं गए। नहीं, वो उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया कि आगरा किले में है, और आगरा किला क्योंकि हम उधर नदी के किनारे नहीं गए तो इसलिए उनको मैं दिखा नहीं पाया। मुख्य मकबरे पे जब गए तो क्या उनकी भाव क्या थी उसमें? वो अचंभित थे ताजमहल की खूबसूरती से, जिस तरह से मार्बल का इस्तेमाल वहाँ पे हुआ है, जितना मार्बल उसका साइज के, उससे बहुत ही अचंभित थे कि सच ग्रैंड मॉजोलियम दे सेट सब बिग मॉजोलियम, तो उनके ये शब्द थे। मिसेस प्रेसिडेंट ने भी तुमसे कुछ पूछा था, क्या पूछ रही थी वो जानकारी कराई? मिसेस प्रेसिडेंट जो है ताजमहल में जो काम हो रहा है पच्चेकारी का, तो वो पूछ रही थी ये जो काम है ये पेंटिंग या कलर्स तो नहीं है? ये उनको लगा ये पेंटिंग या कलर्स है, उनको इल्यूजन था। तो मैंने बताया कि नहीं, इसमें किसी तरह की कोई पेंटिंग या कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें ये सारे जो स्टोन्स हैं वही लगाए गए हैं जो कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं। और 28 कैसा फील कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको वीवीआईपी घुमाते हैं, लेकिन आज चूंकि आपने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को घुमाया था, किस तरह का? बिल्कुल, ये तो सबसे ही स्पेशल है, मतलब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। नितिन, क्या लगता है जिस तरीके से ट्रंप का दौरा हुआ, इससे टूरिज्म को कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट खुद ये प्रॉमिस करके गए हैं। उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ आने से आप लोगों को यहाँ पे बहुत अमेरिकन टूरिस्ट बढ़ेगा, मैं ये बोल के जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, मतलब दीज आर माय वर्ड्स एंड लॉट ऑफ अमेरिकंस आर गोइंग टू कम आफ्टर दिस ट्रिप। कपल ने पूरा डायनासिक के पास बताया, वहाँ पे कुछ स्पेशल मोमेंट्स? वो स्पेशल मोमेंट्स लाइक उन्होंने वहाँ फ़ोटो खिंचाए काफ़ी, और उसके बाद में नीचे उतर के उन्होंने जो फाउंटेन्स हैं, जो वाटर चैनल है, उसके पास खड़े होकर ताजमहल को निहारा कम से कम 3 से 4 मिनट वहाँ से उतरने के बाद में भी। तो और उसके बाद उन्होंने वहाँ से मुख्य मकबरे तक बिल्कुल उन दोनों ने अकेले वॉक करते हुए वहाँ से गए हैं, क्योंकि वो उस लम्हे को जीना चाहते थे जैसे शाहजहाँ और मुमताज़ की तरह हाथ में हाथ डाल के वो ताजमहल को घूम रहे थे, मतलब ऐसे जाना चाहते थे वो। तो इसलिए वो दोनों ही उन्होंने अपना व्यक्तिगत समय जो है उनको जब मैंने बताया तो उन्होंने बताया, उन्होंने वो गए वो वाटर चैनल से वॉक करते हुए साइड से। क्या वहाँ डाइनर टेबल पर जो पिक्चर्स था वो तो हैंड टू हैंड किया गया था पिक्चर निकाल करके वहाँ? नहीं नहीं, हैंड टू हैंड नहीं किया था। किसी स्थान के बारे में आपसे कुछ पूछा हो? नहीं नहीं, उन्होंने ताजमहल को एक खास रही जी, ताजमहल की ये शाहजहाँ मुमताज की जो है स्टोरी के बारे में कि ये कैसे हुई, ये कैसे, किन परिस्थितियों में बनाया गया, क्यों बनाया, और उसकी मौत के बाद बनाया, जब उनको ये जानकारी नहीं थी कि ये मुमताज़ की मौत के बाद बना, तो जब मैंने बताया कि ये मुमताज़ की मौत के बाद बना तो उससे अचंभित हुए, वो समझ आए थे कि जब मुमताज़ जिंदा थी शायद तभी ये ताजमहल बना। शाहजहाँ की कैद होने की बात बताई तो उसको लेके उनको थोड़ा दुख तो पहुँचा, जैसा लगा कि मतलब जिस बादशाह ने अपने इतना बड़ा मकबरा बनवाया अपनी बीवी की याद में, और इतना बड़ा जो मुगल बादशाह रहे और उसके बाद में अपने जीवन के 8 साल उन्हें कैद में बिताने पड़े, तो उससे उनको दुख हुआ। आपने पूरी स्टोरी बताई थी, मतलब उनको कर लूँ।